आपने जब से एक आदत डाली है कि घर आएंगे तो वो एक बिल्कुल फेस्टिविटी लगता है, ऐसा लगता है कि, और बहुत कमाल की बात है कि मुंबई जैसा शहर जो बहुत ही मसरूफ़ है, हर कोई, मतलब हम मिलना भी चाहते हैं एक दूसरे को, कई बार नहीं मिल पाते, लेकिन ये जो दिन है, कितनी दूर दूर से लोग, आपके दोस्त जो हैं, आपकी फैमिली जो है, वो सब आपको मिलने आते हैं, पप्पा को मिलने आते हैं, और यहाँ बैठ के जो सब एक साथ हंसी मजाक करते हैं, वो ऐसा लगता है पप्पा आए हैं, सब मिल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और खुद अपने हाथ से हर चीज़ सजाना, प्रसाद बनाना, उसका एक अलग मज़ा है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। यू नो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हमें दिख रहा है, तो ये हो तो तकरीबन कितना टाइम में आप ये सब कर लेती हैं? एक घंटा, रात को शूट कर रही थी, 2 बजे आई और फिर सुबह 7 बजे उठी और फटफट से सब किया, क्योंकि आजकल पंडित जी जो होते हैं उनके वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। जी, अगर डेकोरेशन की बात करें तो काफ़ी फ्लावर्स और इतना सारा कुछ किया है, अगर कुछ बताना चाहें क्या कुछ किया, छोटे गणपति भी हैं साथ साथ। जी, एक गणपति घर के होते हैं जो, जिन्हें आप बाद में घर में ही स्थापना कर देते हैं, और बप्पा का आप विसर्जन करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे बप्पा ने ही हाथ पकड़ के करा दिया, फटफट से आप करो, ऐसा करो, कुछ हम प्लान नहीं करते, वो ऑर्गेनिकली होता जाता है, और सिंपल रखना चाहते हैं और घर के जैसा रखना चाहते हैं, सो वो ज़्यादा बेहतर लगता है rather than do something very professional। आज का दिन तो और भी खास है, आज ही आपकी पिक्चर का ट्रेलर। जी, ऐसा राइट, आज हल्की का ट्रेलर रिलीज हुआ, अभी टीम यहीं पर थी, वो लोग अभी लंच करके गए हैं। बहुत प्यारी फिल्म है कैलाश सत्यार्थी जी की, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी जहाँ बहुत मुतासर हुई, क्योंकि 80,000 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने बचाया है, और ये फिल्म उनकी कहानी पर आधारित है, और एक बच्ची की कहानी है जो अपने खोए हुए भाई को ढूंढती है, तो और एक फोक स्टोरी चलती है साथ में, जहाँ पे एक चिड़िया का दाना गिर गया है लकड़ी के अंदर, वो कैसे लकड़हारे के पास जाती है कि मेरी मदद कर, लकड़हारा मना करता है, फिर वो राजा के पास जाती है, राजा मना करता है, फिर वो रानी के पास जाती है, वो मना कर देती है, फिर वो सांप के पास जाती है, सांप मना कर देता है, और वो हम बचपन में कहानी सुनते थे, फिर फाइनली जाके हाथी मानता है, और हाथी जो है वो समुद्र को कहता है कि डर, तो समुद्र डरता है तो वो आग के पास आता है, इस तरह से करते करते फाइनली लकड़हारा जो है वो मान जाता है, उसको वो दाना मिल जाता है। तो ये जो कहानी है, झलकी की ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ किरदार आते हैं, तो उनमें से रानी का जो रोल है वो मैं अदा कर रही हूँ, और संजय सूरी मेरे हस्बैंड हैं जो ऑब्वियसली राजा का रोल कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी हमें देखने को लग रही है। सो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का, एंड ये जो पूरा इतनी अच्छी स्टोरी आपने बताई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसी फिल्में चुनूँ जो जब मैं सेट पे जाऊँ तो बहुत मज़ा आए, लोग वैसे हों, रोल वैसा हो और डायरेक्टर वैसा हो, जहाँ आपको लगे कि आप अच्छी तरह से पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हैं। एंड ब्रह्मानंद सिंह की मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी, जो एक पंचम दा पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक जगजीत सिंह जी पर बनाई, और बहुत उम्दा बनाई। एंड तो मैं हमेशा कहती थी इनके साथ कभी काम करना, और खुशकिस्मती देखी कि उनका खुद से आगे से फ़ोन आया कि मैं झलकी बना रहा हूँ और आप ये करें। मिर्ज़ापुर की गर्मी 47 डिग्रीज़ में हमने ये फिल्म शूट की, लेकिन इतना ही मज़े किए, इतना एंजॉय किया, रात को गंगा किनारे बैठ जाते थे दोस्त सब एक साथ बैठ के, कहीं ना कहीं ढाबे पे रात को खाने चले जाते थे, और सुबह में सुपुर्ती से फिर से शूटिंग करने आते थे, इट वाज ग्रेट फन। गणपति के लिए कुछ लाइन गुनगुना, मेरे मामा की फिल्म का गाना है जो दीपक बाहरी की, उनकी फिल्म थी हमसे है ज़माना, उसका गाना सुन सुन के मैंने पापा को, मुझे लगा कि ये कौन है जिनको इतना सब सेलिब्रेट करते हैं, तब हम पंजाब में थे। सो देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन स्वामी, हमसे बढ़कर कौन। Thank you, Thank you, so much, Papa. Moria.